बाप्पा मोरया। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है कम्प्लीटली गणपति प्रिपेरेशन के ऊपर। तो हर बार की तरह अब की बार भी मैं अपने घर में गणपति बिठा रही हूँ, और अब की बार बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हम लोग उस पार्ट ऑफ इंडिया में है जहाँ पे गणपति यानी कि गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। सो गाइस, मैं बचपन से ही ना घर में गणपति पापा को बिठाती हूँ, और पहले तो पंडित जी आके पूजा करते थे, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड मैं अपने तरीके से पूजा करती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है गणपति पापा एक ऐसे भगवान है जिनको बच्चे भी पूजा करते हैं, तो बच्चों को इतने नियम कानून नहीं पता रहते हैं, बट वो अपने शिद्दत और अपने श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो मैं भी कुछ इसी तरह से ही पूजा करती थी, और अब की बार मतलब मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिशनली कैसे फॉलो करते हैं। आज है 28th of August और 31st को है गणेश चतुर्थी, पर कल रात को हमने अपने पापा को घर ले आए हैं। मूर्ति भी मैंने जो लाया है ना वो भी काफी स्पेशल है। तो बेसिकली मैं गोवा में रहती हूँ गाइस, अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मैं गोवा में रहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड शॉप्स है और गाँव से ला के मूर्तियां यहाँ पे सेल करने के लिए रखे हैं, तो मैं बस दो ही दुकानें डिस्कवर कर पाई, एंड वहां पे ना मूर्तियों की साइजेस काफी बड़े हैं, और मैं ना विसर्जन घर पे ही करती हूँ, तो मैं अगर बड़ी मूर्ति ले आऊंगी तो मेरे लिए काफी दिक्कत हो जाएगा विसर्जन के वक्त। तो मैं हमेशा ना 1 से 1.5 फीट के ही मूर्ति लाती हूँ, तो मेरे को उस साइज के कुछ मिले नहीं, एंड जो भी थे ना वो पहले से ही ना सोल्ड आउट हो चुके थे। तो मैंने ये बात जनहित को बताया कि यार यहाँ पे ना मूर्तियां नहीं मिल रही है, कहीं से अगर कोई गाँव वाँव से मिल जाए जहाँ पे बहुत अच्छे से कारीगर बैठे होंगे, मूर्तियां बनाते होंगे, 1 से 1.5 फीट का मिल जाएगा तो मैं अच्छे से पूजा कर पाऊंगी। तो जनहित ने ये बात अपने पेशेंट से डिस्कस की, उनकी एक पेशेंट है जिनका नाम है गोपाल, और वो एक्चुअली सावंतवाड़ी से हैं, एंड दे वर सो काइंड एंड सो स्वीट। उन्होंने बोला कि हमारे गांव में सर बनता है और सावंतवाड़ी से हम आपके लिए मूर्ति लेके आएंगे। तो मेरे को फोटोज वगैरह भेजे थे और मैं मेरे साइज के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेशली बनाया और कल लेके आया सावंतवाड़ी से, और मैं कल घर में उनको रखी हूँ मंदिर के बाजू में, और मैं अभी सेटअप करूंगी, किस तरह से डेकोरेशन करूंगी तो ये आज के व्लॉग में पता चल ही जाएगा। सो गाइस, होम टूर वीडियो में ना मैंने ये एक स्पेस दिखाया था, पहले यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल रहा करता था, तो ये ना एक्चुअली अपना लिविंग और मेन डोर से आने वाला रास्ता है, एंड ये किचन, तो ये एक जगह है जहाँ पे इधर 2 बेडरूम है, इधर मेरा स्टूडियो रूम है। तो मैं सोच रही हूँ इस स्पेस में ना काफी जगह है, सो यस, यहाँ पे ही मैं बिठाने वाली हूँ और यहीं पे मैं सारा डेकोरेशन करूंगी। तो चलिए तैयारी करते हैं, मेरा एक कॉल आ रहा है उसे अटेंड करके मैं तुरंत से तैयारी करती हूँ। Tell me that you're different. This is when you try to make me fall. Convince me it's true. डेकोरेशन कर रही थी तभी रियलाइज हुआ कि बहुत सारे सामान मेरे पास नहीं है, एंड कुछ कुछ शॉपिंग भी करना था पूजा की तैयारी के लिए। तो झटपट से मैं रेडी हो चुकी हूँ, यहाँ पे पास में जो गोवा का फेमस म्युनिसिपैलिटी मार्केट है वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वहीं जा रही हूँ एंड जाके सामान लेके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या ली हूँ। एंड गोवा पंजिम में ना एक बहुत ही फेमस मार्केट है, म्युनिसिपैलिटी मार्केट, जहाँ पे आपको सारे के सारे चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स है जहाँ पे पूरी गणपति के सारी चीज़ें मिल रही थी, मतलब आसन, ज्वेलरी वगैरह, इस तरीके के फूल वगैरह, बहुत सारे सुंदर सुंदर कलेक्शंस थे। मैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी कि क्या लूँ क्या छोड़ूँ, बट मैं अपने डेकोरेशन के हिसाब से ही सारा चीज़ ली हूँ। एंड वही म्युनिसिपैलिटी मार्केट में ना एक पूजा दुकान
दुकान भी था जहाँ पे इस तरीके के पीतल के थाली वगैरह मिल रहे थे, तो मुझे ज़रूरत था तो यहीं पे मैं सारी चीज़ों को देख रही थी। एंड देखिए इतना बड़ा सा ये मार्केट है, यहाँ पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, फूल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाता है। उसके बाद जनेर की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो उसे मैंने घर पे ड्रॉप करके यहाँ पे एक मेला जैसे यहाँ पे लगा हुआ था पंजिम स्ट्रीट में ही। यहाँ पे एक्चुअली ये गणपति के लिए ही मेला लगता है, जहाँ पे आपको फर्नीचर से शुरू करके कपड़े वगैरह, इवन स्टेशनरी वगैरह भी मिल रहे थे। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिरें थी, मेरे को बहुत मन कर रहा था मैं ले लूँ, बट अभी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया। बट यहाँ पे पूरा विंडो शॉपिंग कर रही हूँ एंड देख रही हूँ क्या क्या चीज़ें मिल रही है। बहुत अच्छे अच्छे टीक वुड के भी सारी चीज़ें मिल रही थी, और पूरा दिन को मैंने एंड किया पानी पूरी खा के। बिना पानी पूरी का तो होता नहीं है। घर आने के बाद फिर से मैं सेटअप बनाने में लग गई थी, तो मेरे को कहीं से जुगाड़ हो गया था छोटे छोटे इस तरीके के बैम्बू फ्रेम्स, जिसे मेरे को एक घर जैसा बनाना था। तो यहाँ पे रात को ही हम लोग बैठ के सारी चीज़ को बांध दे रहे थे, क्योंकि मुझे उसी अकॉर्डिंग में ही डेकोरेशन के सामान लेने थे, तो हम आते साथ ही इसे करने में लग गए। हे गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे, और कल जैसे मैंने क्लिप्स वगैरह शेयर किया कि कल हम लोग गए थे पंजिम मार्केट और वहाँ पे मैंने कुछ कुछ शॉपिंग की। तो अभी ना वो पूरा एकदम वाइब क्रिएट हो चुका है गणेश चतुर्थी का, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लाइक फ्लावर्स, पूजा के रिलेटेड थाली, डेकोरेशंस, इवन फटाके भी मिल रहे थे। मेरे को नहीं पता था कि गणपति में फटाके भी फोड़ते हैं हमारे, मतलब ओडिशा में, मैंने दिल्ली में कभी ऐसे स्टॉल टाइप नहीं देखा है। कभी कोई दुकानों से अगर फोड़ते होंगे तो फोड़ते होंगे, बट प्रॉपर शॉप मैंने नहीं देखा था। तो अब की बार मेरे को पता चला कि गणपति में यहाँ पे फटाके भी फोड़ते हैं। बट मैंने कल पंजिम मार्केट से क्या क्या लिया है पूजा रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पूजा के लिए ना मैं ये बड़ा वाला थाली लेके आई हूँ, ये पीतल का थाली है एंड जिसमें ना इस तरीके का डिजाइन दिया है। मीडियम साइज का है, इसे छोटा भी आ रहा था, इसे बड़ा भी आ रहा था, पर मैंने मीडियम साइज का लिया है। और इसमें ना प्रसाद वगैरह भगवान को चढ़ाने के लिए मेरे को थाली जो थे वो कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज का लिया है। मैंने ना एक दिया लिया है, ये एक ग्लास वाला है, यहाँ पे ना इसमें बहुत सुंदर सा डिजाइन दिया गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पीढ़ा, हम लोग ओडिया में पीढ़ा बोलते हैं, तो पीढ़ा टाइप का है, यहाँ पे दिया है और ऐसे ग्लास कवर करके उसके ऊपर ऐसा रख सकते हो, बहुत सुंदर लगा। मेरे को बहुत बड़ा साइज का नहीं चाहिए था, बट ये साइज मेरे को बहुत ही सही लगा, तो अब की बार मैंने ये वाला लिया है। मैंने मोदक बनाने के लिए भी ये प्लास्टिक का एक लिया है और एक इस तरीके का ना एल्यूमिनियम का लिया है, इसके अंदर में इस तरीके का डिजाइन है। तो दिल्ली में जब थी ना तब मेरे पास एक था, बट ये शिफ्टिंग के दौरान ना कहाँ पे रख दी, मेरे को मिल नहीं रहा था, तो इस तरीके का मैंने दो लिया है। एंड उसके बाद भगवान को डेकोरेशन करने के लिए ना मैंने कंधे पे डालने के लिए इस तरीके का ना क्या बोलते हैं इनको, मेरे को नाम नहीं पता है, बट ये आपके ऐसे शोल्डर में रहता है एंड इसका कलर ऐसे ऑरेंज ग्रीन कलर का है। और उसके बाद ना ऐसे छोटा सा आसन भी लिया है, ये मेरे को ना एक्चुअली मंदिर में डेली बेसिस में जो मंदिर में मैं भगवान रखी हूँ ना उनके लिए भी जरूरत था, तो मैंने एक छोटा साइज का लिया है। इसका कलर भी बहुत सुंदर है, पिंक कलर का लिया है, एक वह सेम पैटर्न का थोड़ा सा बड़ा साइज का रेड वाला लिया है। और जो मार्केट गई थी ना, जो मेला टाइप का मार्केट था, वहां से ना मैंने कुछ कुछ स्टेशनरी के सामान उठाया। मेरे को बहुत ही क्यूट सा दुकान मिल गया था जहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट स्टेशनरी के सामान मिल रहे थे। मैंने इस तरीके का क्लिप लिया है, ये एक क्या बोलते हैं स्लाइस ऑफ केक है, ये एक मफिन है, और इसमें ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बने थे, बहुत क्यूट लग रहा था, तो ये वाला मैंने एक लिया है। मैंने ना ये बच्चों वाला रबर्स लिए हैं, जो इरेजर्स होते हैं ना वैसा लिया है, ये मेरे को बचपन की याद आ गई। इस तरीके के इरेजर्स मैं बहुत कलेक्ट करती थी गाइस, मतलब मैं उस टाइप की बच्ची थी जिसके पेंसिल्स पे पेंस और इरेजर बहुत क्यूट होते थे। मैंने इस तरीके का एक यूनिकॉर्न पेन लिया है, इस तरीके के छोटे छोटे पेन लिए हैं, ये एक यूनिकॉर्न वाला ब्लू कलर का है, दूसरा एक येलो वाला है।
तो मेरे को ये सारी चीजें बहुत क्यूट लगते हैं, तो कुछ कुछ चीजें मैंने वो स्टेशनरी शॉप से लिया है। तो गाइस ये कुछ सामान मैंने कल लिए हैं। आज के दिन, आज मंडे है और परसों ही गणपति है, तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन में मेरे को सारा डेकोरेशन करना है और सेटअप करना है, पूजा के सामान भी लाना है। यहाँ पे ये एक सेटअप कल रात को ही बना दिया था, जिसमें मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया है पुराने, मतलब वुडन कहाँ कहाँ से मैंने जुगाड़ किए हैं। यहाँ पे जो पाइप है कपड़े सुखाने के लिए, मेरे जो स्टैंड थी ना उधर से मैंने निकाला है और इसे कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया है। और ये वाला स्टैंड का मैंने फर्नी ब्लूम से खरीदा था, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो रस्सी से ना यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से ना एक फ्रेम जैसा बना दिया है। यहाँ पे मैं पापा को बिठाऊंगी, तो अभी मेरे को पूरा ये जो एम्प्टी फ्रेम है उसे सेट करना है। अभी तक मेरा जो गणपति का सेटअप है ना वो हो चुका है। एंड अभी तक मैं भगवान को वहाँ पे नहीं बिठाई हूँ क्योंकि मेरे बैक में ना बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मैं जनित का वेट कर रही हूँ। अभी जनित को भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा बीमारी ठीक हुआ अब उसको हो रहा है, तो वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। इसके बाद वो उठ के मैं बोलूँगी कि भगवान को वहाँ पे बिठा देने के लिए। बट अभी तक जो मैंने सजाया है ना गाइस, सब चीज़ों को कलेक्ट करके जो सेटअप मैंने किया है, मेरा नज़र वहीं पे ही जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने सेटअप किया है। गाइस आर यू रेडी? तो ये है मेरा भगवान को बिठाने का स्थान। यहाँ पे मैं भगवान को बिठाने वाली हूँ। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करूँगी, रियल फ्लावर्स भी ऐड करूँगी। जो गणपति का व्लॉग, मेरा डेडिकेटेड व्लॉग आने वाला है ना, जहाँ पे मैं पूजा वगैरह करती हूँ, तो लाइट्स वगैरह भी और लगेंगे। तो जैसे मैंने दिखाया था, ये एक वुडन फ्रेम के ऊपर ना मेरे पास इस तरीके के फ्लावर्स बहुत है। दिवाली के टाइम में, गणपति के टाइम में, लास्ट ईयर मैं सब दिल्ली से खरीदी थी और ये सब ना कटआउट मैं DIY की हूँ, तो इनको भी मैं कुछ इस तरह से ना ये फ्रेम में सजा दी हूँ। और पीछे में जो है वो दुपट्टा है, अभी वाइट रखा है, पहले मैं ग्रीन रखी थी, तो मैं देखती हूँ वाइट रखूंगी, ग्रीन रखूंगी या फिर नया रेड दुपट्टा भी है। सारे मेरे नए हैं, मैं पहनी भी नहीं हूँ, तो इन्हें मैं रखूँ क्या नहीं रखूँ अब पता नहीं चल रहा है। आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कि वाइट रखूँ या रेड रखूँ या फिर मैं ग्रीन रखूँ। सो यस, बैकड्रॉप में मैंने यहाँ पे इस तरीके का वाइट लाइट दिया है। ये मैंने अमेजोन से लिया था। जो भी प्रोडक्ट मेरे को मिलेंगे गाइस मैं लिस्टेड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे ये फ्रेम को हाइड करने के लिए भी अगेन मैंने यही आर्टिफिशियल फ्लावर लगाया है। और साइड में कुछ इस तरह से दिख रहा है गाइस, ये वाला ना मेरा एक नया साड़ी है, इसे ही मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ। और यहाँ पे अगेन मेरे पास लेसेस था, इसे टाई करके ना एक छोटा सा फ्लावर यहाँ पे लगा दी हूँ। और ये वाला जो क्लॉथ है ये भी मेरा कर्टन है, नया वॉश किया हुआ रखा हुआ था, उसे मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ। तो भगवान को बिठाने के बाद कैसे लगेंगे वो क्लिप भी मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो गाइज अभी मैं गणपति पप्पा को बिठा दी हूँ, बट मैं अभी पूरा सफाई करने वाली हूँ क्योंकि ये सब जब डेकोरेशन होता है ना, आपको बिहाइंड द सीन आपको पता नहीं चलता है कि कितना ज़्यादा गंदगी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट देखिए, यहाँ पे मेरा वैक्यूम क्लीनर से शुरू करके सब यहाँ पे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। पूजा है, पूजा के दिन घर हमेशा साफ होना चाहिए, तो अभी मैं थोड़ा सा चीज़ों को साफ सफाई करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी। और कल शाम को मैं जाऊँगी
फूल वगैरह लेने के लिए, जो पूजा में फूल जरूरत पड़ेगा, प्रसाद जरूरत पड़ेगा, वो सब मेरा नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो आई होप ये जो डेकोरेशन वाला वीडियो मैं आपके साथ शेयर की हूँ आप भी डेकोर कर पाए, क्योंकि परसों है गणपति और बाय टुमारो मैं ये व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। कल से मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूंगी जहाँ पे पूरा मैं रियल फ्लावर से कैसे सजा रही हूँ, गणपति का पूजा कैसे हो रहा है, प्रसाद वगैरह सारा चीज मैं व्लॉग करके आपके साथ शेयर करूंगी। सो यह उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।